हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स को कंटिन्यू करेंगे। हमने इसके पहले पार्ट 2.1 क्विक कॉन्सेप्ट रिव्यू में हमने देखा था कि पॉलीनोमियल्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स क्या होती हैं, और साथ साथ हमने NCERT एक्सरसाइज नंबर 2.1 को भी सॉल्व किया था। और ये जो हमारा वीडियो है 2.2 क्विक कॉन्सेप्ट रिव्यू में, हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल्स कैसे निकालते हैं, जीरोज़ ऑफ पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, और साथ साथ NCERT एक्सरसाइज नंबर 2.2 को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल्स क्या होती हैं। वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल को समझने के लिए हम एक पॉलीनोमियल के एग्जांपल की मदद लेते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पॉलीनोमियल का, P of x इज इक्वल टू x² - 1। ठीक, ये हमारे पास एक पॉलीनोमियल है जो कि x की है। ठीक है, और इस पॉलीनोमियल का हमको टाइप भी पता है। इस टाइप की पॉलीनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, अब इस पॉलीनोमियल की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि x क्या है। जब तक हमारे पास x नहीं होगा, हम पॉलीनोमियल की वैल्यू नहीं बता सकते। तो हमको इस पॉलीनोमियल की वैल्यू बतानी है एट x = 2 पर। ठीक, अब हमको करना क्या होगा, हमको x को रिप्लेस करना होगा इस 2 से, क्योंकि हमको x = 2 पर इस पॉलीनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही जगह हमने x को रिप्लेस कर दिया 2 से। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा P(2) = राइट हैंड साइड में भी हमको 2 पुट करना होगा, तो ये हो गया 2² - 1। आगे से सॉल्व किया, 2² हो गया 4 - 1, और 4 - 1 हो गया हमारा 3। तो पॉलीनोमियल ऑफ x = x² - 1 का x = 2 पर जो वैल्यू आई है वो आई 3। ठीक, ऐसे हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके इस पॉलीनोमियल की डिफरेंट डिफरेंट हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमको इस पॉलीनोमियल की वैल्यू निकालनी है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं एट x = 5। ठीक, हमको 5 पर इस पॉलीनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो हमको सिंपल अगेन करना है, क्या है, x को रिप्लेस कर देना है 5 से। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने x को रिप्लेस किया 5 से, तो इसी तरह हम राइट हैंड साइड को में भी x को रिप्लेस करेंगे 5 से। 5² हो गया 25 - 1, और इसका रिजल्ट आ गया 24। ठीक है, इसका रिजल्ट आ गया हमारा 24 एट x = 5। तो इस पॉलीनोमियल P(x) = x² - 1 का रिजल्ट एट x = 5 पर आया हमारा 24। तो 24 इस पॉलीनोमियल की वैल्यू हुई। ठीक है, तो इस तरह किसी भी पॉलीनोमियल की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि x क्या क्या है। x की हम जितनी यहाँ वैल्यू चेंज करते हुए यहाँ पुट करते जाएंगे, एक पॉलीनोमियल की हमको वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएंगी। ठीक है, एक और हम एग्जांपल लेते हैं। हम एट x = 1 पर इस पॉलीनोमियल का हमको वैल्यू बतानी है। तो हमको 1 को x को रिप्लेस करना है 1 से, तो ये हो जाएगा P(1) = 1² - 1 - 1 1² - 1 1² - 1 1 से 1 कैंसिल हो गया, और ये हमारा रिजल्ट आ गया 0। तो इस पॉलीनोमियल P(x) की एट x = 1 पर रिजल्ट आ गया 0। और अगर किसी भी पॉलीनोमियल में x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर रिजल्ट 0 आता है, तो उसे हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल। तो इस केस में x = 1 इस गिवन पॉलीनोमियल का 0 कहलाएगा। इसे हम आगे और डिटेल में समझेंगे। अब इस एग्जांपल की मदद से हमको ये क्लियर हो गया कि वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल्स क्या होती हैं। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ P(x) इज ए पॉलीनोमियल इन वेरिएबल x एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग x बाय अल्फा इन P(x) इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ P(x) एट x = अल्फा एंड इज डिनोटेड बाय P(अल्फा). ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ P(x) = x³ - 6x² + 11x - 6 एट x = -2। तो हमको इस पॉलीनोमियल P(x) जो कि x की पॉलीनोमियल है, हमको x = -2 पर इसकी वैल्यू बतानी है। तो अभी हमने देखे थे प्रीवियस एग्जांपल में, हमको करना क्या है, सिर्फ x को रिप्लेस कर देना है -2 से। तो ये हो जाएगा हमारा P(-2) = -2² - 6² + 11 - 6। ठीक, इसे आगे सॉल्व किया, -2³ हो जाएगा -8, और 2² हो गया +4, बट ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो गया, रिजल्ट नेगेटिव का ही आएगा। 6² = 24 - 11² = 22 - 6। ठीक, अब इन नंबर्स को हम आपस में ऐड कर देते हैं, तो ये 24 और -6 ये दोनों नेगेटिव हैं, तो इन दोनों का रिजल्ट आ गया -30।
30 में 22 ऐड कर दें तो 30, 40, 50, 52, 52 में हम ऐड 8 को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 60. तो माइनस ऑफ 60 हमारा इस गिवन पॉलीनोमियल का रिजल्ट आया, ठीक है. और इसे हम डिनोट करेंगे पी ऑफ माइनस 2 से. तो पी ऑफ माइनस 2 पर गिवन पॉलीनोमियल का रिजल्ट आ गया हमारे पास 60. इज दैट क्लियर. अब वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल को समझने के बाद अब हम समझते हैं जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है. तो जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल्स x की वो वैल्यू कहलाती हैं जिनको गिवन पॉलीनोमियल में पुट कर दें तो रिजल्ट हम हमेशा जीरो आए, ठीक है. इसलिए x की उस वैल्यू को हम जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल कहते हैं. इसे एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं पॉलीनोमियल का. p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ऑफ 6, ठीक है. अब इसका हमको जीरोज फाइंड आउट करना है. तो अभी हमने समझा कि x की वो वैल्यू जो कि हम यहाँ पुट कर दें तो पॉलीनोमियल की जो वैल्यू है वो ज़ीरो आ जाए. तो x की उस वैल्यू को हम ज़ीरोज ऑफ पॉलीनोमियल कहते हैं, ठीक है. तो ज़ीरोज ऑफ पॉलीनोमियल जो होते हैं वो पॉलीनोमियल की यूनिक वैल्यू होती हैं, क्योंकि उन्हीं वैल्यू पे जो पॉलीनोमियल है उसका रिजल्ट हमको ज़ीरो मिलेगा. बाकी अदर जो भी हम x की वैल्यू पुट करें और पॉलीनोमियल का रिजल्ट हमको ज़ीरो नहीं मिलता है तो हम उसे ज़ीरोज ऑफ पॉलीनोमियल नहीं कहेंगे. जैसे अभी हमने यहाँ एग्जांपल सॉल्व किया था, इसके अंदर x की वैल्यू हमने माइनस 2 पुट की बट इसका रिजल्ट ज़ीरो नहीं आया, मतलब वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल ज़ीरो नहीं आई. इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 2 इस गिवन पॉलीनोमियल का ज़ीरो नहीं था, ठीक है. तो ऐसी वैल्यू जो कि हम यहाँ पुट करें और पॉलीनोमियल का रिजल्ट या पॉलीनोमियल की जो वैल्यू है वो ज़ीरो आ जाए तो उसे हम ज़ीरो ऑफ पॉलीनोमियल कहते हैं. जैसे हम इसमें x इज इक्वल टू पुट करते हैं 2, तो x इज इक्वल टू 2 हमने पुट किया और इसकी हमने वैल्यू निकाली. तो वैल्यू हम निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर हो गया ये 4 प्लस x को रिप्लेस किया 2 से माइनस ऑफ 6. तो देखिए 4 प्लस 2 6 माइनस ऑफ 6 ये आपस में कैंसिल होकर रिजल्ट आया या वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल आ गई 0. तो एट x इज इक्वल टू 2 इस गिवन पॉलीनोमियल की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, तो हम x इज इक्वल टू 2 को इस गिवन पॉलीनोमियल का 0 कहेंगे, ठीक है. इस तरह x के हम यहाँ पर कई सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं बट उन सारी वैल्यू को हम जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल्स नहीं कहेंगे. जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल सिर्फ उन्हीं वैल्यू को कहेंगे जिसको पुट करने पर पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है. तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 इस गिवन पॉलीनोमियल का 0 कहलाएगा, ठीक है. अब जो भी हमारे पास पॉलीनोमियल्स होती है, हमने ये पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स में कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को उसकी डिग्री कहते हैं. ये हमने लास्ट वीडियो में समझा था, ठीक है. जैसे यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री हो गई 2. अब ये जो डिग्री है यही हमको बताती है कि इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर या डिग्री एक्स की 2 है तो इसके अंदर नंबर ऑफ जो जीरोज होंगे वो 2 होंगे. अगर हमारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन होती है, मतलब जिसमें डिग्री 3 हो, तो उसके अंदर 3 जीरोज़ होंगे. लीनियर इक्वेशंस जिसमें डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 होती है तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ ज़ीरो 1 मिलेगा. जैसे यहाँ पर हमने एक ज़ीरो तो निकाल लिया है, x इज इक्वल टू 2 जिस पे इसका रिजल्ट 0 आया, तो 2 इस गिवन पॉलीनोमियल का 0 कहलाएगा. इसी तरह अगर हमने इसके अंदर x को रिप्लेस कर दिया माइनस ऑफ 3 से, मतलब हम x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 पर इस पॉलीनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो माइनस 3 पर हमने इसकी वैल्यू निकाली तो ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9. एक्स को रिप्लेस किया माइनस ऑफ 3 से माइनस ऑफ 6. तो देखिए यहाँ पर भी माइनस 3 माइनस 6 मिलकर हो गया माइनस 9 और इस प्लस 9 से कैंसिल होकर रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 0, मतलब इस गिवन पॉलीनोमियल की वैल्यू आ गई 0. किस पर? x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 पर. तो माइनस ऑफ 3 इस गिवन पॉलीनोमियल का 0 कहलाएगा, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर थी वो 2 थी, तो इसके 2 ही 0 पॉसिबल है. एक है 2 और दूसरा है माइनस ऑफ 3. तो इन दोनों ही वैल्यू के अलावा ऐसी इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो कि पुट करने पे पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है. तो अभी हमने बात की थी कि इन दोनों में डिफरेंस होता है, तो वो मेजर डिफरेंस यही है कि जो जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, ठीक है. जबकि वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल यूनिक नहीं होती. हम x की कितनी भी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, जितनी हम x की वैल्यू पुट करेंगे पॉलीनोमियल की वैल्यू उतनी ही हमको मिलेगी, बट उन सारी वैल्यूज़ में जो जीरोज़ होंगे वो यूनिक होंगे. जीरोज़ उतने ही होंगे जितनी पॉलीनोमियल की हाईएस्ट पावर है, या हम कहें पॉलीनोमियल की हाईएस्ट डिग्री है. इज दैट क्लियर. अब इतना समझने के बाद अब हम इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं. तो जीरोज़ ऑफ पॉलीनोमियल क्या होते हैं? अ रियल नंबर अल्फ़ा इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलीनोमियल पी ऑफ एक्स इफ़ पी ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, ठीक है. तो उसी केस में हम इस अल्फ़ा को
गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहेंगे, क्योंकि हमने एक्स को अगर अल्फ़ा से रिप्लेस कर दें और गिवन जो पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स जो कि अल्फ़ा पे हो गई पी ऑफ अल्फ़ा और उसका रिजल्ट आ जाए अल्फ़ा पर ज़ीरो, तो अल्फ़ा हमारा ज़ीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। ओके, अब इतना सब कुछ समझने के बाद अब हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सॉल्व करते हैं। तो एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज नंबर 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमको इस गिवन पॉलिनोमियल की x की इन तीनों वैल्यू पर वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब हमको यहाँ क्लियर है कि जो पॉलिनोमियल गिवन है हमको x की गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 3। ठीक, अब यहाँ पर अरेंजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट x की यहाँ वैल्यू पुट कर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बता सकते हैं। तो नंबर वन, हम एट x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू बताते हैं। तो p ऑफ हमको करना क्या है, सिर्फ x को रिप्लेस करना है 0 से, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही जगह हमने x को रिप्लेस किया 0 से, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस ऑफ 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3। ओके, आगे से सॉल्व करेंगे तो 5 0 हो गया 0, 0 का स्क्वायर होगा 0 इंटू माइनस 4, तो ये भी आ जाएगा 0 प्लस ऑफ 3। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट इसका आ गया है 0, मतलब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 हमारा रिजल्ट आ गया है 3। ठीक है, अब नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमको वैल्यू गिवन है एक्स की माइनस 1, तो हमको करना क्या है, गिवन पॉलिनोमियल को एक्स को रिप्लेस कर देना है माइनस 1 से, तो रिप्लेस करते हैं तो पी ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 5 इंटू माइनस ऑफ 1, एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस 1 से, माइनस 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं, 5 वन हो गया 5 बट माइनस का, यहाँ पर माइनस 1 का स्क्वायर तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा बट माइनस 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन होकर ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 प्लस ऑफ 3, माइनस 5 माइनस 4 हो गया माइनस ऑफ 9 प्लस ऑफ 3, माइनस 9 प्लस 3 हमारा रिजल्ट आ गया माइनस ऑफ 6। तो पी ऑफ एक्स की एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 जो वैल्यू आई वो आई माइनस ऑफ 6। इसी तरह लास्ट वाले को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमको x इज इक्वल टू 2 पर इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल, हमने x को रिप्लेस किया 2 से, तो ये हो गया p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस ऑफ 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3। ओके, आगे सॉल्व किया, 5 2 जा हो गया 10 माइनस ऑफ 4 का सॉरी 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 4 जा हो गया हमारे पास 16 प्लस ऑफ 3। ठीक, तो दो ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, इनको तो ऐड किया हमने, 10 प्लस 3 हो गया 13 माइनस ऑफ 16, तो 13 माइनस 16 हमारा रिजल्ट आ गया माइनस ऑफ 3। तो गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2 आ गई है माइनस ऑफ 3। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, फाइंड पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब हमको यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है पी ऑफ 0, मतलब ये हमको वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, इस वेरिएबल की वैल्यू पर हमको गिवन पॉलिनोमियल्स जो ये गिवन है इनकी वैल्यूज़ बतानी है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर वन है हमारे पास पॉलिनोमियल पी ऑफ वाई की। ठीक, तो अंदर जो वेरिएबल है यहाँ पर वाई है, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू एक बार हम 0 पुट करेंगे, एक बार हम 1 पुट करेंगे और एक बार 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन इसे सॉल्व करते हैं। तो पी ऑफ वाई हमको गिवन है क्वेश्चन में वाई स्क्वायर माइनस ऑफ वाई प्लस ऑफ 1। ठीक, अब y की 0 पे हमको वैल्यू निकालनी है, p ऑफ y की 0 पे वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया हमारा p ऑफ 0। अब तो y को हमने रिप्लेस किया 0 से, तो राइट हैंड साइड भी हम रिप्लेस करना होगा, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस ऑफ 1। ठीक, तो इसका रिजल्ट आ गया है प्लस ऑफ 1। तो p ऑफ 0 पर गिवन पॉलिनोमियल जो कि फर्स्ट क्वेश्चन वाली हमारी, इसका रिजल्ट आया 1। ठीक है, इसी तरह p ऑफ 1 हम निकालते हैं, तो p ऑफ 1 मतलब हमको गिवन पॉलिनोमियल को में y को रिप्लेस कर देना है 1 से, तो 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 1 प्लस ऑफ 1, तो एक 1 से एक 1 कैंसिल हो गया, तो इसका रिजल्ट भी आ गया 1, जो कि p ऑफ 1 पर हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो p ऑफ 1 गिवन पॉलिनोमियल की जो p ऑफ 1 पर गिवन पॉलिनोमियल है उसका रिजल्ट वैल्यू भी आ गई हमारे पास 1। इसी तरह हम p ऑफ 2 पे भी निकालते हैं, तो p ऑफ 2 मतलब y की वैल्यू हमको गिवन है 2, तो y को हम रिप्लेस कर देते हैं 2 से, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1, तो 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4 माइनस 2
प्लस ऑफ वन, फोर प्लस वन हो गया फाइव, माइनस ऑफ टू या फाइव माइनस टू आ गया थ्री। ये थ्री जो गिवन पॉलीनोमियल की वैल्यू है वो पी ऑफ टू के लिए है, ठीक है। तो इस तरह हमने पी ऑफ ज़ीरो भी फाइंड आउट कर लिया, पी ऑफ वन भी फाइंड आउट कर लिया और पी ऑफ टू भी फाइंड आउट कर लिया क्वेश्चन नंबर वन के लिए। इसी तरह हम सेकेंड पॉलीनोमियल के लिए भी वैल्यू निकाल लेते हैं। सेकेंड पॉलीनोमियल हमको गिवन है पी ऑफ टी, ठीक है। तो ये जो पॉलीनोमियल है ये टी की है, तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है हमको ये टी की तीनों वैल्यू को लेना होगा। तो पी ऑफ टी इज इक्वल टू हमको गिवन है टू प्लस टी प्लस ऑफ टू टी स्क्वायर माइनस ऑफ टी क्यू, ठीक। अब ये एक क्यूबिक पॉलीनोमियल है। अब हमको पहली वैल्यू निकालनी है पी ऑफ ज़ीरो के लिए, तो टी को हम रिप्लेस कर देते हैं ज़ीरो से, तो ये हो जाएगा टू प्लस ज़ीरो प्लस टू इंटू ज़ीरो का स्क्वायर माइनस ऑफ ज़ीरो का क्यू। आगे से सॉल्व करें तो ये हो गया टू, ज़ीरो में ऐड करें तो टू ही बचेगा, ठीक है। और ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, तो सिर्फ हमारे पास रिजल्ट बचा टू। तो पी ऑफ ज़ीरो हमारे पास आ गया है टू, ठीक है, टी की वैल्यू ज़ीरो पुट करने पर। सेकेंड हमको निकालना है पी ऑफ वन। अब टी को हमको रिप्लेस कर देना है वन से, तो हम रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो गया टू प्लस टी को रिप्लेस किया वन से प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस ऑफ वन का क्यूब, ओके। आगे से सॉल्व किया तो ये हो गया टू प्लस वन प्लस वन का स्क्वायर वन इंटू टू, टू माइनस ऑफ वन, वन से वन कैंसिल हो गया, टू प्लस टू हो गया फोर। तो एट पी ऑफ या टी ऑफ वन पर गिवन पॉलीनोमियल की वैल्यू आ गई हमारे पास फोर, ठीक है। इसी तरह हम पी ऑफ टू के लिए भी निकाल लेते हैं। तो टू टी को रिप्लेस किया टू से, तो ये हो गया टू प्लस टू प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर माइनस ऑफ टू का क्यूब। आगे सॉल्व किया टू प्लस टू हो गया फोर, प्लस टू का स्क्वायर फोर, फोर टू ज़ा एट, माइनस ऑफ टू का क्यूब हो गया एट, एट से एट कैंसिल, तो बचा हमारे पास फोर। तो पी ऑफ टू की वैल्यू आ गई हमारे पास फोर, ओके। तो इस तरह हमने यहाँ पर पी ऑफ ज़ीरो का रिजल्ट निकाल लिया है, पी ऑफ वन का भी के लिए भी हमने सॉल्व कर लिया और पी ऑफ टू के लिए भी सॉल्व कर लिया। इसी तरह हम थर्ड केस को सॉल्व करते हैं। इसका केस नंबर थर्ड है हमारे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब जो गिविन पॉलीनोमियल है वो एक्स की है, एक्स क्यूब, ठीक है। तो वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। पी ऑफ ज़ीरो पर सॉल्व करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे ज़ीरो से, तो ज़ीरो का क्यूब हो जाएगा ज़ीरो, तो पी ऑफ ज़ीरो आ गया ज़ीरो, ठीक है। अब क्योंकि इस गिवन पॉलीनोमियल में एक्स को ज़ीरो से रिप्लेस करने पे पॉलीनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ गई, तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इस गिवन पॉलीनोमियल का ज़ीरो भी कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह हम पी ऑफ वन के लिए सॉल्व करें, तो एक्स को रिप्लेस किया हमने वन से, तो वन का क्यू आ गया वन, तो पी ऑफ वन कर वैल्यू आ गई वन। इसी तरह हम पी ऑफ टू भी निकाल लेते हैं, तो एक्स को रिप्लेस किया हमने टू से, तो ये हो गया टू क्यू और टू का क्यू हो गया हमारा एट, तो पी ऑफ टू हमारे पास आ गया एट। तो इस तरह हमने वन बाय वन इन तीनों पर इस गिवन पॉलीनोमियल की वैल्यू निकाल ली है। अब इसका केस नंबर फोर्थ को सॉल्व करते हैं। केस नंबर फोर है हमारा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस ऑफ वन, ठीक है। अब हम इसको चाहें तो आगे सॉल्व कर लें पहले, देन इसके बाद एक्स की वैल्यू पुट करें, या हम डायरेक्ट यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले से सॉल्व कर लेते हैं, देन इसकी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस ऑफ वन, ठीक है। पहले मैंने इस एक्स का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों टर्म्स के साथ किया, फिर वन का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों टर्म्स के साथ किया, ठीक। अब यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वन, ठीक है। अब इसको इतना सॉल्व करने की बजाय हम एक आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते थे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की, ठीक है। अब ये मैंने डायरेक्ट अप्लाई इसलिए नहीं की, हो सकता है कि ये इसका अभी हमने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा ना हो। तो एक आइडेंटिटी होती है हमारी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर a के प्लेस से वैल्यू है हमारी x और b के प्लेस से वैल्यू है हमारी 1। तो यहाँ पर a के प्लेस से वैल्यू है x, तो x का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर 1। तो इस आइडेंटिटी की मदद से हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है। एनीवे अब आगे सॉल्व करते हैं। पी ऑफ ज़ीरो पे इसकी वैल्यू बतानी है हमको, तो हमने x को रिप्लेस किया 0 से, तो यहाँ पर भी हम x को रिप्लेस कर देते हैं 0 से, तो 0 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1, तो फाइनल रिजल्ट आ गया हमारा माइनस ऑफ 1, ठीक है। पी ऑफ 1 के लिए इसको सॉल्व करते हैं, तो पी ऑफ 1
इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, एक्स को रिप्लेस किया वन से तो वन का स्क्वायर माइनस ऑफ वन, तो वन का स्क्वायर वन माइनस वन, दोनों कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास सिर्फ जीरो। तो इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू वन पर जीरो आ गई, तो एक्स इज इक्वल टू वन इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो भी कहलाएगा। ठीक है, ये आगे हमें काम आएगा, ध्यान देना है। इसी तरह पी ऑफ टू के लिए हमने इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स को रिप्लेस किया हमने टू से, तो टू का स्क्वायर हो गया फोर माइनस ऑफ वन, और फोर माइनस वन हो गया हमारा थ्री, तो पी ऑफ टू की वैल्यू आ गई हमारी थ्री। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर टू क्लियर है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा, वेरीफाई वेदर द फॉलोविंग्स आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट दैम। ठीक है, अब हमको गिवन पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल गिवन है और साथ साथ हमको एक्स की वैल्यू गिवन है, तो हमको ये वेरीफाई करना है कि इस एक्स की वैल्यू पर इस गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो है या नहीं। अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इस गिवन एक्स की वैल्यू पर जीरो आ जाती है, तो जो एक्स की वैल्यू हमको गिवन है वो उसका इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले नंबर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन, इसका हमको पॉलिनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस ऑफ वन, हमको वेरीफाई करना है x इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री पर। ठीक, तो सिंपल x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो गया p ऑफ माइनस वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू थ्री इन टू एक्स की वैल्यू है हमारे पास माइनस वन अपॉन थ्री प्लस ऑफ वन। ठीक, तो यहाँ पर थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, तो बचा माइनस वन, माइनस वन प्लस वन, जो कि अगेन आपस में कैंसिल हो गए, तो रिजल्ट आ गया हमारा जीरो। मतलब p ऑफ माइनस वन बाई थ्री पर इस गिवन पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो आ गई है, तो इसलिए x इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री गिवन पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। इज दैट क्लियर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करते हैं। हमको पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस ऑफ पाई। ठीक, और हमको चेक करना है x इज इक्वल टू फोर बाय फाइव पर। ठीक है, तो सिंपल हमको x की वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पर, तो ये हो गया p ऑफ 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 अपॉन 5 माइनस ऑफ पाई। ठीक, अब यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 4 माइनस ऑफ पाई, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए p ऑफ 4 अपॉन 5 पर गिवन पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 नहीं आई है, तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 गिवन पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। ओके, इसी तरह हम इसके केस नंबर थर्ड को भी सॉल्व करते हैं। तो थर्ड में हमको गिवन है पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1। ठीक, अब हमको यहाँ पर दो वैल्यूज गिवन है x की, एक है 1 और दूसरी है माइनस ऑफ 1, तो इन दोनों ही वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल को हमको चेक करना है। तो पहले हम x इज इक्वल टू 1 पे चेक करें, तो x को रिप्लेस किया हमने 1 से, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस ऑफ 1, तो ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। इसी तरह हम x इज इक्वल टू माइनस 1 पे चेक करते हैं, तो माइनस 1 का स्क्वायर भी होगा प्लस 1 माइनस ऑफ 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आया 0। तो x इज इक्वल टू प्लस x इज इक्वल टू माइनस वन और x इज इक्वल टू प्लस वन गिवन पॉलिनोमियल के जीरो है। इज दैट क्लियर। और ये हमने थोड़ी देर पहले भी समझा था कि जो भी पॉलिनोमियल होती है उसकी हाईएस्ट डिग्री जितनी होती है उतने ही उसके जीरोज होते हैं, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री इसकी टू है, तो इसीलिए इसके टू जीरो हमको यहाँ मिले। ओके, अभी इन सॉल्यूशंस को मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको आगे इस वीडियो में मिल जाएगा, तो अभी आपको ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस वन इन टू x माइनस ऑफ टू। ठीक, हमको इस पॉलिनोमियल की जीरोस चेक करना है x इज इक्वल टू माइनस वन और टू पर। ठीक है, तो हम गिवन पॉलिनोमियल की x की ये दोनों वैल्यू वन बाय वन पुट करते हैं। तो पहले हम x इज इक्वल टू माइनस वन पुट करते हैं, तो ये हो गया p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू x को रिप्लेस किया हमने माइनस वन से प्लस वन इन टू एक्स को रिप्लेस किया माइनस वन से, तो माइनस वन माइनस ऑफ टू। ठीक, अब ये माइनस वन प्लस वन ये कैंसिल हो गए, तो बचा हो गया यहाँ पर जीरो इन टू माइनस टू माइनस वन, जो कि है माइनस थ्री, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इसका मल्टीप्लीकेशन होकर रिजल्ट आ गया जीरो। तो p ऑफ माइनस वन का हमको रिजल्ट वैल्यू जो आई है वो जीरो है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पर, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इसका जीरो कहलाएगा। इसी तरह हम एक्स इज इक्वल टू टू पर इसको चेक करते हैं, तो हमने सिंपल एक्स को रिप्लेस कर देंगे हम टू से, तो ये हो गया पी ऑफ टू
इज इक्वल टू 2 + 1 इंटू 2 - 2। अब यहाँ 2 - 2 मिलकर हो जाएगा 0, इस 0 का मल्टीप्लिकेशन इस फैक्टर में होगा तो ओवरऑल रिजल्ट आएगा हमारा 0। तो एट x इज इक्वल टू 2 पर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, इसलिए x इज इक्वल टू 2 इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। तो इसलिए x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 इस गिवन पॉलिनोमियल के 0 कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम इसका फिफ्थ को सॉल्व करते हैं। तो फिफ्थ हमको गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो सिंपल, अगर हम x को रिप्लेस कर देंगे 0 से तो यहाँ पर और कोई कांस्टेंट तो है ही नहीं, तो इसका रिजल्ट भी 0 आएगा। तो इसलिए x इज इक्वल टू 0 इज गिवन पॉलिनोमियल का 0s कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह सिक्स्थ को सॉल्व करते हैं। तो सिक्स्थ है हमारा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। ठीक है, इसका 0 हमको चेक करना है एट x इज इक्वल टू m अपॉन l के लिए। ठीक है, तो x को हमने रिप्लेस किया माइनस m अपॉन l से, तो ये हो गया हमारा p ऑफ माइनस m अपॉन l इज इक्वल टू l इंटू x की जगह हमने पुट किया माइनस m अपॉन l प्लस ऑफ m। तो यहाँ पर l से l हो गया कैंसिल, तो बचा माइनस m और यहाँ बचा हमारे पास प्लस m, और m से m p कैंसिल हो गया तो गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 0। किस पर? x की वैल्यू माइनस m अपॉन l पर। तो इसलिए x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l गिवन पॉलिनोमियल का 0 होगा। ठीक है, अब इसी तरह हम सेवन्थ को सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, ये मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, आगे इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिलेगा तो इसको नोट करने की अभी ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसका क्वेश्चन नंबर हमारा सेवन्थ है, तो इसका क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है पी ऑफ एक्स, हमको पॉलिनोमियल गिवन है एक्स की जो कि है 3x² - 1। इसके जीरोज हमको चेक करना है एक्स इज इक्वल टू -1/√3 पर और एक्स इज इक्वल टू 2/√3 पर। ठीक है, तो 1/1 हम एक्स की वैल्यू यहाँ पुट अप करते हैं। तो पहले हम पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू -1/√3। ठीक है, तो x को हम रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा p ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू 3 - 1/√3 का स्क्वायर -1। आगे से सॉल्व किया तो 3 ये स्क्वायर है तो ये टर्म नहीं पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो अपॉन 3 -1, 3 से 3 कैंसिल तो बचे यहाँ पर 1 - 1, तो 1 से 1 भी कैंसिल हो गया तो रिजल्ट आया हमारा 0। तो इसलिए x इज इक्वल टू -1/√3 गिवन पॉलिनोमियल का 0 होगा। ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू -1/3 पे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 आ गई है। ठीक, अब हम x को रिप्लेस करते हैं x इज इक्वल टू 2/3 से, तो ये हो जाएगा हमारा p ऑफ 2/√3। ठीक है, तो 3 * 2/√3 का होल स्क्वायर -1। ओके, आगे से सॉल्व किया तो 3 * 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 - 1, या 3 से 3 कैंसिल तो बचा हमारे पास 4 - 1, 4 - 1 हो गया हमारा 3। ठीक, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए p ऑफ x की जो हमको वैल्यू गिवन थी 2/√3 पर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए x इज इक्वल टू 2/√3 गिवन पॉलिनोमियल का 0 नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह हम लास्ट एट को सॉल्व करते हैं जो कि है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1। हमको x इज इक्वल टू 1/2 पर इसका 0 चेक करना है, तो हमने x को रिप्लेस किया 1/2 से, तो ये हो गया 2 * 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ बचा हमारे पास 1 + 1, जो कि रिजल्ट आ गया 2। अगेन 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो p ऑफ 1/2 पर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं है, तो 1/2 जो हमको x की वैल्यू गिवन थी वो इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं कहलाएगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन थर्ड आपको अच्छे समझ में आया, अब इसको आप प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए।
अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को. फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. ठीक है, अब हमको यहाँ पर कुछ पॉलीनोमियल्स गिवन है और इन सारे पॉलीनोमियल का हमको जीरो फाइंड आउट करना है. तो वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं. तो हमको पहली पॉलीनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ फाइव. ठीक, तो सिंपल हमको जीरो फाइंड आउट करने के लिए जो हमको पॉलीनोमियल गिवन है उसको इक्वेट कर देना होता है जीरो से. तो एक्स प्लस फाइव को हमने इक्वेट किया जीरो से. ठीक, अब वेरिएबल कांस्टेंट को हमने सेपरेट किया तो एक्स इज इक्वल टू ये हो गया माइनस ऑफ फाइव. ठीक, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव इज गिविन पॉलीनोमियल का जीरो कहलाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ एक्स को रिप्लेस कर देंगे फाइव माइनस फाइव से तो माइनस फाइव प्लस फाइव मिल कैंसिल होकर रिजल्ट आ जाएगा हमारा जीरो. तो एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव पर इस गिवन पॉलीनोमियल की वैल्यू होगी जीरो. तो इसलिए एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव इस गिवन पॉलीनोमियल का जीरो कहलाया. तो इस तरह हमने इसका जीरो फाइंड आउट कर लिया. इसी तरह हम सेकेंड पॉलीनोमियल को देखते हैं जो कि है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ फाइव. अगेन जो पॉलीनोमियल है उसको हमने इक्वेट किया जीरो से. ठीक है, या कांस्टेंट को हमने ट्रांसफ़र किया तो x इज इक्वल टू आ गया 5. तो x इज इक्वल टू 5 इस गिवन पॉलीनोमियल का जीरो होगा. ठीक है, अभी मैं आपको इस तरह समझा रहा हूँ, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में आगे मिल जाएगा, तो अभी आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 इस गिवन पॉलीनोमियल का जीरो होगा. क्यों जीरो होगा? क्योंकि x इज इक्वल टू 5 हम यहाँ पुट कर दें तो इस पॉलीनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो आ जाएगी. इसलिए x इज इक्वल टू 5 गिवन पॉलीनोमियल का जीरो कहलाएगा. इसी तरह हम थर्ड को सॉल्व करें तो थर्ड हमको गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 5. ठीक, तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए हमको गिवन पॉलीनोमियल को जीरो से इक्वेट करना होता है. तो 2x प्लस 5 को हमने इक्वेट किया जीरो से, या इसको हमने वेरिएबल कांस्टेंट को हम सेपरेट करें तो यहाँ 2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5. इस 2 को भी हम हटाएं तो x इज इक्वल टू हो गया हमारे पास माइनस 5 अपॉन 2. ठीक, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2 इस गिवन पॉलीनोमियल का जीरो कहलाएगा. ठीक है, इसी तरह हम फोर्थ को सॉल्व करें तो हमको जब भी किसी पॉलीनोमियल के जीरो निकालना है तो इस पॉलीनोमियल को हमको जीरो से इक्वेट करना होता है. अभी हमको यहाँ पर ये सारी लीनियर पॉलीनोमियल्स गिवन है तो इसका सॉल्यूशन हमको सिंपल मिलता जा रहा है. हमको जीरो से इक्वेट करना है और वेरिएबल कांस्टेंट को सेपरेट कर देना है. अगर यही पॉलीनोमियल्स जो है वो हमको अगर क्यूबिक गिवन होती या क्वाड्रेटिक होती तो वहाँ पर हमको कुछ मेथड्स फॉलो करना होती जिसकी मदद से उनके जीरो हम फाइंड आउट कर सकते थे. यहाँ हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको सिर्फ गिवन पॉलीनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देना है. तो यहाँ पर अगेन क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पॉलीनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स की हमको, जो कि है 3x माइनस ऑफ 2. तो हमको सिंपल 3x माइनस 2 को जीरो से इक्वेट कर देना है और वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट कर देना है. तो ये हो जाएगा माइनस 2 इधर जाके 2 अपॉन x के जो मल्टीप्लिकेशन में वो इसके डिवाइड में आ जाएगा. तो x इज इक्वल टू 2 बाई 3 इस गिवन पॉलीनोमियल का जीरो कहलाएगा. ठीक है, अब फोर्थ फिफ्थ को भी सॉल्व करते हैं. पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमको गिवन है 3x. ठीक, तो सिंपल हमको पॉलीनोमियल को इक्वेट कर देना है जीरो से. तो 3x को इक्वेट करेंगे जीरो से और 3 जीरो के डिवाइड में जाकर हो जाएगा जीरो. तो ये हो गया 0/3. ये जीरो को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी जीरो. तो x इज इक्वल टू जीरो गिवन पॉलीनोमियल का हमको जीरो मिल गया है. ठीक है, इसी तरह सिक्स्थ को सॉल्व करते हैं जो कि है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स. ठीक, यहाँ एक्स ए की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक, कोई बात नहीं, हमने सिंपल जो पॉलीनोमियल है उसको हमने इक्वेट किया पहले जीरो से. ठीक है, देन एक्स इज इक्वल टू हो गया जीरो अपॉन ए. तो एक्स की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई जीरो. तो एक्स इज इक्वल टू जीरो गिविन पॉलीनोमियल का जीरो कहलाया. इसी तरह हम सेवन्थ को सॉल्व करते हैं. सेवन्थ है हमारे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस ऑफ डी. ठीक, वेयर सी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक, अब हमको ये कंडीशन क्यों बोल दी जा रही है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था कि जो भी पॉलीनोमियल जिस वेरिएबल की होती है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर लीनियर पॉलीनोमियल हमको गिवन है. अगर यहाँ पर सी जीरो हो गया तो ये पॉलीनोमियल लीनियर नहीं कहलाएगी, ये कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल हो जाएगी. इसलिए ये कंडीशन हमको गिवन है. ठीक है, अब इसका हमको जीरो निकालना है तो सिंपल हमको करना है क्या है, पॉलीनोमियल को इक्वेट कर देना है जीरो से. इक्वेट किया जीरो से, वेरिएबल और कांस्टेंट को हमने सेपरेट किया, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलीनोमियल है वो एक्स की गिवन है तो इसलिए यहाँ पर सी और डी हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएंगे. तो यहाँ पर हमने छोड़ा एक्स को
या सी एक्स को, सी एक्स इज इक्वल टू हो गया हमारा माइनस ऑफ डी, या एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस डी अपॉन सी. ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी इज गिवन लीनियर पॉलीनोमियल क्या, जीरो कहलाएगा. इज दैट क्लियर?